तो चाचा कितने का दे रहा है चाचा? आप दोनों ले लो ना चाचा, दो दे दो हमें, दो के हो गए, पकड़ो गाय हमें ला दो, ले जाओ पकड़ लिया, चलो कहने को तो कल गांधी जयंती थी और नेशनल हॉलीडे भी, जिसमें शराब की बिक्री पर पूर्णतः बंदी होती है, लेकिन इन सब बातों को झांसी के शराब माफियाओं पर कोई असर नहीं था। झांसी में शराब बंदी के दिन भी खुलेआम शराब ओवर रेट में बेची गई और महंगे दामों में शराब को लेने वालों की लाइन ऐसे लगी रही जैसे दुकान में शराब नहीं बल्कि राशन बट रहा हो। ओवर रेटिंग में शराब बेचने का वीडियो भी एक ग्राहक ने बनाकर वायरल कर दिया, जो अब झांसी पुलिस पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। शराब लेने वालों में अधिकतर युवा थे और वह इसलिए यहां पहुंचे थे क्योंकि झांसी के अन्य दुकानों में गांधी जयंती की वजह से ताला डला हुआ था। अन्य दुकानों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर भी थी, लेकिन इस सब के बाद भी सीपरी थाना क्षेत्र के होटल हाईवे पर खुलेआम अंग्रेजी देसी और बियर खुलेआम बिक रही थी। चौकी के नजदीक होटल हाईवे में पुलिस की नाक के नीचे यह अवैध धंधा चल रहा था, लेकिन पुलिस खामोशी से यह सब होने दे रही थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह शराब बेचने वाले व्यक्ति बेखौफ तरीके से खुलेआम शराब ऊंचे दामों में बेच रहे थे। यह व्यक्ति इतना बेखौफ है कि जैसे साहब की जेब में पूरा सिस्टम हो। आप भी देखिए पूरा वीडियो। थोड़ी ना है अरे यार हमें तो दे दो छह, आप तो दे तीन कर दो तीन। चाचा बताओ कहाँ गया, कितनी दे रहे हमें चाचा? कितने का कैन दे रहा है तो चाचा कितने का दे रहा है चाचा? आप दोनों ले लो ना चाचा, दो दे दो हमें, दो के हो गए, पकड़ो गाय हमें ला दो, लो जी पकड़ो जी, चलो। अरे यार चाचा अब तो आप करा रहे, रुक जाओ, गाय चाचा अरे करा रहे खड़े रहो ना, काय परेशान हो, जाओ भैया निकल लो, आपको मिलके जब निकल चाचा। गलत बात है चाचा, चाचा हाईवे होटल में बुला गया, गलत करते आप। राजन कहाँ गया? ठंडा नहीं है, ठंडा अब दे सकते आप लोगों को। चाचा इसने बोला कि वो चाचा के पास चले जाओ, पैसा तो हम तो कर रहे हैं ना, थोड़ा गर्म चलेगा। कितने का मिलेगा? 200 रुपए वाले ट्यूबर दे दे, 200 का ट्यूबर। सकल पहली बार देख रहे हैं चाचा? फ्री में देता बताओ, फ्री में नहीं चाचा, सकल 150 रुपए का रेट है, 200 का दे रहे हैं। अच्छा 250 का दे रहे हैं, 500 की देंगे दो दो तो पहली बार दे रहे चाचा हमें। चाचा उस लड़के से पूछो, राजेश को बोला जितने लौंडे हैं उसके तो भाई खत्म हो गया माल, खत्म हो गया चाचा। फिलहाल शराब बेचने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा, लेकिन यहां लगने वाली भीड़ की तरफ किसी पुलिसकर्मी की नजर भी नहीं गई। सूत्रों की माने तो कुछ पुलिसकर्मियों के संरक्षण में इन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माफिया पर क्या कार्रवाई करते हैं। झांसी से राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।